हेलो हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? होपफुली आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और आज का ब्लॉग मैं मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ, और यहाँ पर मैं ना दिया को रेडी कर रही हूँ। दिया मॉर्निंग बहुत ही ज़्यादा परेशान करती है, आप लोगों को पता है। सभी बच्चे करते हैं, मम्मी मुझे ये करना है, मम्मी मुझे वो करना है, मुझे चीज़ लानी है, ऐसा कुछ भी वो करते हैं। सो मैं यहाँ पर दिया भी करती है, तो मैंने आज का ब्लॉग मॉर्निंग से स्टार्ट कर दिया है। और आज मैं आप लोगों के साथ मॉर्निंग का रूटीन शेयर करूँगी। सो गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना फैमिली फ्रेंड के साथ। और एक दो लोग बोलते हैं सब्सक्राइब करने की बोलती है, तो मैडम आपको अगर जानकारी नहीं हो तो कितने भी बड़ा यूट्यूबर होगा जिनके मिलियनों में भी सब्सक्राइबर होंगे तो वो भी सब्सक्राइब करने के बोलता है बोल। और अरविंद चौधरी का अगर चैनल आप जानते होंगे, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रही, तो वो भी बोलती हैं 1 लाख तक पहुंचा देना लाइक को, और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को 1 लाख तक लाइक पहुंचा देना। तो मैंने बोल दिया तो क्या गलत कर दिया है हमारा राइट। हे गाइस, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब? होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे ही रहें। सो हैप्पी दिवाली। और दिवाली के टाइम पर मैं बहुत ही प्यारा आप लोगों के लिए ऑफ़र लेकर आई हूँ, जो कि है आप लोगों के लिपस्टिक पर। और अगर आप काफ़ी एस क्यू का सामान, एन वाई का सामान लेते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन है, और अगर आप ऑफर कोड भी यूज़ करते हैं जो कि कमेंट सेक्शन में पिन है, तो आपको 80% का डिस्काउंट मिलेगा। और इससे अच्छी बात क्या होती है, तो मैं आज आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ रिव्यू, वो एस क्यू की लिपस्टिक का है। सो सबसे पहले जो मैं एक लगाई हूँ, ये भी बहुत ही प्यारी है। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ एक एक करके। तो ये है कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आती हैं, ये देखिए इस तरह की पैकेजिंग में आती है। और ये है वाटरप्रूफ लिपस्टिक, तो ये कलर नंबर है इसका 3, शेड नंबर 3 है इसका। ये जो मैं लगाई हूँ ये इस तरह का है, आपको दिखा देती हूँ। एक ये है जो मैंने मंगाई थी, 5 लिप शेड मंगाए थे आप लोगों के लिए, और बहुत ही प्यारा ऑफ़र भी चल रहा है। तो इस टाइम आप बाय करेंगे तो आपको बहुत ही सस्ती रेट में मिलेंगी, दीपावली ऑफ़र है तो ट्राई ज़रूर करें। सेकंड है लिप शेड नंबर 15, जो कि बहुत ही प्यारा शेड है। अगर मैं उससे बोलूँ आप लोगों से, बहुत ही प्यारा है। और ये जैसे मैंने अभी चाउमीन वगैरह खाई है तो देखिए बिगड़ा भी नहीं है, मैं आपको ट्रूली बताऊँ तो ये नहीं बिगड़ा है। तो ये बहुत ही प्यारा कलर है, आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए कितना प्यारा कलर है। तो आप लोग ज़रूर ख़रीद के एक बार देखें, लिंक को चेकआउट करें। और अगर आपको जो सामान अच्छा लगता है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, लिंक पर जाएं और क्लिक करके देखें। देखने के पैसे नहीं है तो एक बार ज़रूर चेकआउट करें। ये है शेड नंबर 4, और ये भी इस तरह के कलर में है, ठीक है। पैकेजिंग इतनी प्यारी है, ट्रांसपेरेंट है, सॉरी, तो आपको दिख जाएगा कौन सा कलर है। वैसे आपको नीचे भी दिख रहा है, ये कुछ इस तरह का कलर है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये पिंकिश में है, थोड़ा सा देख रहा है आपको कितना प्यारा लग रहा है। और ये लगाने में भी इतनी प्यारी लगती हैं, इतनी लगाने में इतनी ईजली लग जाती हैं, क्योंकि इनका जो ब्रश है ना वो बहुत ही छोटा है। तो आप अपने जो लिप्स हैं उसको सेप दीजिए और अच्छी तरह से आप इसको लगाइए, बहुत ईजली लग जाती हैं। सच में गाइज, मैं अभी यही वाली लगाई हूँ और इसी कंपनी का लाइनर और काजल लगाई हूँ, तो बहुत ही प्यारा भी लग रहा है। मेकअप कैसा लग रहा है कमेंट करके बता। प्यारा अगर मैं कलर बोलूँ तो सबसे ज़्यादा मुझे फेवरेट नंबर पे आया है ये वाला कलर, आप लोग ज़रूर बताना कितना प्यारा लग रहा है। आप लोग बोल रहे थे ना कि दीदी आप फोटो में कौन सा कलर लगाई थी, सो गाइज मैं ये वाला नहीं लगाई थी, क्रोन में लगाई थी, वो भी आपके साथ मैं रिव्यू शेयर कर दूँगी। और लिंक पर जाकर ज़रूर चेक करें और मुझे बताएँ अपने रिव्यू कि आपको कैसी लगी। और इस टाइम तो ऑफ़र चल रहा है तो एक बार ज़रूर। तो ये है शेड नंबर 9, तो 80% डिस्काउंट मिल रहा है, इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या होगी। ये देखिए ये शेड कितना प्यारा लग रहा है ना,
क्योंकि हम लड़कियों को या कॉलेज गर्ल हो या फेयरवेल पार्टी हो या फिर कोई भी फंक्शन हो, कोई भी प्रोग्राम हो रहा हो घर में, तो हमें खाना वाना खाते हैं तो आप लोगों को पता है लिपस्टिक बिगड़ जाती है, लेकिन इसके साथ नहीं है। सीरियसली गाइज, मैंने अभी चाउमीन खाई है मैंने दिया ने, तो देखिए बिगड़ी नहीं है तो बहुत ही अच्छी लग रही है। देखिए है ये 5th नंबर और ये भी कलर मुझे बहुत ही पसंद आया है, इसीलिए मैं आपके साथ रिव्यू शेयर कर रही हूँ। तो ये है शेड नंबर 5। तो एक बार डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में जो लिंक है वो चेकआउट करें, जाकर देखें आपको कौन कौन से प्रोडक्ट अच्छे लगे हैं और अपने रिव्यू मेरे साथ शेयर करें। ये देखिए ये शेड तो मुझे बहुत ही, और यही शेड मैं लगाने वाली हूँ दिवाली पे। सो गाइस कितना प्यारा लग रहा है। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आप, मतलब मैंने आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर कर दिया क्योंकि आप लोग बोल रहे थे दीदी लिप शेड कौन सा है, सो मैंने शेयर कर दिया है। तो बहुत ही प्यारे लिप शेड आए हैं 5ों कलर, तो मुझे पसंद आए तो मैंने आपके साथ शेयर करें। और आपका आपकी इतनी मतलब आप लोगों से इतनी रिक्वेस्ट है, एक बार लिंक पर जाएँ क्लिक करें और कौन सा प्रोडक्ट आपको ज़्यादा अच्छा लगा है मुझे कॉमेंट करके बताएँ। सेकेंड कोड यूज़ करना ना भूलें, आपको प्रोडक्ट पर बहुत अच्छी बम्पर डिस्काउंट मिलेगी 80%। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से। गाइस यहाँ पर मैं ना भाभी से बात कर रही हूँ। एक्चुअली मैं क्या हुआ था, मैंने टिकटॉक वीडियोस बनाई थी, सो भाभी को मैं दिखा रही हूँ। आप लोग मेरे से कोई पूछ रहा था कि दीदी आपकी टिकटॉक की आईडी क्या है, तो मेरी टिकटॉक की आईडी सिंपल लिविंग विद रिंगल जैन के नाम से ही है और काफ़ी लोग मतलब फॉलो भी किया है वहाँ पर। तो और एक मेरी सब्सक्राइबर ने, जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि उन्होंने है ना मेरी वीडियो में ना डुअट करा था, और आज है ना किसी की एनिवर्सरी है, तो मैं अभी थोड़ी देर में उनका नाम भी ले लूँगी। तो मेरे माइंड से उतर गया है इसकी वजह से। और यहाँ पर मैं आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ, आलू की नहीं सॉरी, मैंने मठा चलाया था, मैं मठे आलू बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर आलू बॉयल किए थे, और बॉयल करने के बाद मैं यहाँ पर छील के रख रही हूँ, छील के मैश कर दूँगी। आप लोगों को पता है कि आलू को मैश कर देते हैं उसमें मटे के आलू में। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले कढ़ाई में डाला है मस्टर्ड ऑयल, और इसको मैं अच्छी तरह से पकने दूँगी जब तक कि ये धुआँ ना छोड़ने लगे, क्योंकि ये भी जो होता है ना मतलब मिल से आया है। सो अच्छी तरह से पकने दूँगी, और उसके बाद मैं यहाँ पर जो सामान की ज़रूरत है वो सामान निकाल रही हूँ। और गैस पर कुछ सामान गिर गया था, तो आप लोगों को पता है मैं तुरंत की तुरंत पहुंचती जाती हूँ, मतलब कुछ जमने नहीं देती हूँ, साफ़ रहता है। क्योंकि आप लोगों को पता है कोई भी आएगा तो इसी रूम में आएगा और गंदगी होगी तो अच्छा नहीं लगेगा। तो सबसे पहले मैं हींग डाल रही हूँ, तो हींग क्या है मेरी फिनिश हो गई, थोड़ी सी ही थी तो मैंने पूरी उसमें डाल दी है पॉलीथीन की। और इसके बाद मैं यहाँ पर जैसे ही मेरी हींग बनने लगी, गर्म होने लगेगी, तो मैं यहाँ पर डालूँगी जीरा। तो मैंने यहाँ पर जीरा ऐड कर दिया है, तो उसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ हल्दी पाउडर। और आप लोग घर के मसाले से भी कर सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा होता है, सिल्वर पीस सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है, और उसके बाद मैं थोड़ा सा धनिया पाउडर डालूंगी, यहाँ पर मैं रेड चिली पाउडर थोड़ा सा ऐड कर दूंगी। और ये सारे मसाले जैसे ही हो जाएंगे, ज़्यादा नहीं क्योंकि ज़्यादा फिर जल जाएंगे, तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी कड़ी ऐड कर दूंगी। उसके बाद मैं यहाँ पर है ना इसको कड़ी को थोड़ा सा पकने के लिए छोड़ दूंगी, और इसको हम चलाते रहेंगे क्योंकि नहीं तो ये फट जाती है, तो इसीलिए चलाने देंगे। और जैसे ही चल जाएगी तो फिर मैं इसमें और ऐड कर दूंगी कढ़ी। और एक तरफ मैंने आलू को अच्छी तरह से मैश करके रख लिया है, तो मैं इसे पहले चला लूँगी जैसे हम लोग बेसन चलाते हैं, नहीं तो ये फटने लगेगी। और हाँ गाइस, नमक नहीं डालना है, आप लोग इस बात का ध्यान रखना, नमक डालोगे तो ये कढ़ी है ना वो मतलब फट जाएगी। आप लोगों को पता है कि कढ़ी फट जाती है, तो जो नमक है ना हम बाद में डालेंगे, मैं आपको बता दूँगी कब। तो ये जो आलू थे मैंने वो ऐड कर दिए हैं, और इसे मैं चलाती रहूँगी जब तक अच्छी तरह से पकने नहीं लगे। वैसे ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी और यमी बनती है, और इसके जो बेसन मतलब मठा जो हो और खट्टा हो तो बहुत ही ज़्यादा यमी बनेगी। सो इसी की वजह से मैं इसे चला रही हूँ ताकि ये फटे ना।
और अगर इसको आपको अच्छी तरह से बनाना है तो आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पर मुझे रेड चिली पाउडर थोड़ा सा कम लग रहा था, तो मैंने रेड चिली पाउडर डाल दिया है, थोड़ा सा सब्ज़ी मसाला डाल दिया है ताकि इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आए और खाने में बहुत ही यम्मी लगे। मुझे ऐसा ना, जो घर के मसाले होते हैं वो ज़्यादा तेज़ होते हैं, वो कम में ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन जो मार्केट के होते हैं उसमें आप लोगों को पता है कि पाउडर वगैरह यूज़ किए जाते हैं, सो वो ज़्यादा डालने पर कम टेस्ट देते हैं। तो मुझे थोड़ा सा कम लगा, सो मैंने इसमें ऐड कर दिया है और इसको मैं अच्छी तरह से चलाती रहूँगी। तो बस यहाँ पर वही है, और जैसे ही मेरी सब्ज़ी बन जाएगी तो मैं इसमें थोड़े से मतलब पराठे बनाना स्टार्ट कर दूँगी। एक दो पराठे बनाऊँगी ताकि दिया खाना खा ले। दिया को भूख लगने लगी थी इसी की वजह से, और मुझे जाना था मार्केट भी, तो मैं आपको बाद में बता दूँगी क्यों जाना था, कहाँ जाना था, ये तो आपको बाद में पता ही चल जाएगा। तो गाइज़ यहाँ पर मैं सब्ज़ी एक तरफ रख दी है और पराठे बना रही हूँ, क्योंकि सब्ज़ी है ना, जब तक उसमें मलाई सी ना बनने लगे तब तक जो मटर के आलू की जो जितना आप अच्छी तरह पकाओगे ना बिल्कुल, तो उतना ही अच्छी बनती है। जैसे हम लोग बेसन कड़ी सॉरी कड़ी को पकाते हैं इसी तरीके से, मैं बेसन बोल जाती हूँ, मुझे हैबिट सी हो गई है, सॉरी यार आप लोग कमेंट करते हो तो मैं भूल जाती हूँ। तो गाइज़ यहाँ पर मैं रेडी हो रही हूँ, और कहाँ जाने के लिए रेडी हो रही हूँ ये आप लोगों को आगे पता ही चल जाएगा। तो मैं इस बार है ना पता इस बार मैं पफ नहीं बना रही हूँ, साइड छोटी बना रही हूँ, और मेरी पता नहीं ट्राईपॉड नीचे की तरफ हो गया, मैंने देखा भी नहीं है, सो इसी वजह से ये ऊपर पर मैं आपको बता दे रही हूँ कि मैंने सर पफ नहीं बनाया, साइड पफ बनाया है। आप लोग बोलते हो क्या दीदी आप पफ बना, पर पता है इसका एक कारण है, मैं पफ बनाती हूँ, मेरे बाल बहुत छोटे हैं आगे की तरफ, सो वो आ जाते हैं तो, और इसमें ना अजीब से खड़े हो जाते हैं साइड पफ में, सो मैं इसी वजह से है ना वो पफ बनाती हूँ ऊपर वाला। और मैं यहाँ पर कुछ ज़्यादा मेकअप नहीं कर रही हूँ, जो पर आपको पता है कि मुझे मेकअप करना बहुत पसंद है, बट मैं मेकअप ज़्यादा नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे देर हो रही है इसके कारण से। मुझे ना दिया को लेकर आना है स्कूल से, फिर मैं जाऊँगी जहाँ पर मुझे जाना है, और बस मैं साइड पफ बना रही हूँ, सिंदूर लगा रही हूँ, और मैंने वाइट टोन टैल्कम पाउडर यूज़ करा है इस टाइम। वैसे मैं सभी प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, आप लोगों को पता है, अगर आपने मेरे मेकअप कलेक्शन अभी तक नहीं देखा है तो नीचे मेकअप कलेक्शन है मेरा, तो आप लोग चेकआउट कर लेना। और हो सका तो मैं ना आई बटन में और एंड स्क्रीन में, जब वीडियो ख़त्म होती है तो एंड स्क्रीन आते हैं, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं वहाँ पर शेयर कर दूँगी, नहीं तो आई बटन में शेयर करने की कोशिश करूँगी। सो गाइस आप लोग है ना चेकआउट कर लेना। वैसे मुझे बट लेट हो रही हूँ इसकी वजह से मैं थोड़ा सा मेकअप करूँगी, तो चलिए फिर मैं आप लोगों से मिलूँगी घर पहुँचने के बाद। अब जल्दी जल्दी मेकअप कर रही हूँ, मेरा यहाँ पर क्या होता है लाइनर है ना, मैं बोल रही थी तो लाइनर मेरा ऊपर लग गया था, तो मैं उसे साफ़ कर रही हूँ, और जो मैं यहाँ पर लेके आई। हे गाइस गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब, होपफुली आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और इतनी देखिए मैंने क्या कर दिया, मैं भी आई हूँ मम्मा के घर पे, मतलब मुझे याद आ रही थी बहुत दूर से तो मैं आ गई। बहुत होता ना एक इंसान चाहिए होता है दिल लगा के रोने वाला, मम्मी की याद भी आ रही थी, पता नहीं क्यों अंदर से ही आ रही थी, तो मैं मम्मी के यहाँ आ गई हूँ। ऐसे आई थी 3 बजे कौन है, और ये आ गए हैं पुच्ची देवी, और दिशा के स्टूडेंट आ चुके हैं, और दिया ये रही, बैठ जाना भी आ रही होगी, अभी मैं मतलब आ गई थी घर पे, तो मैंने ना मैगी खाई है और खाना खाया है, और यहाँ पर आ चुके हैं दिया के स्टूडेंट। आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, और दूसरा संभव, संभव नाम है संभव, और दिया खा रही है नमकीन, और फिर सो गई उसकी नमकीन। तो गाइस मैंने सोचा कि आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लूं, और आजकल लोगों के लिए क्या कैसी वीडियो बनाऊं कमेंट करके बता दिया करिए कि ये चीज़ चाहिए ब्लॉग में, ये चीज़ चाहिए ब्लॉग में, तो मैं
बता दिया करूंगी यार, लेकिन आप लोग आज पता नहीं क्या हो गया है। देखिए आज पता, मैं वैसा बता दिया करी तो मैं वैसा ही बना दिया करूंगी, क्योंकि मुझे तो काम करना है, सो दैट मैं काम करूंगी। और आप लोग के जो कमेंट आते हैं ना, जो प्यारे प्यारे, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। ये देखिए अभी कमेंट आया है पूनम सिंह का और सुमन ब्लॉग्स एंड ब्यूटी का। सो दैट मैं, काफ़ी सारे हैं अब किचन, अपना किचन की आप लोगों से बात कर लेती हूँ। और यहाँ पर छोटी वाली बहन है ना, पानी वानी भर रही है, तो मैं अभी थोड़ी देर में चली जाऊँगी घर पर, क्योंकि खाना वाना खाकर पापा आ जाए तो पापा से मिल लेती हूँ, सो ही चली जाऊँगी। पापा भी आए नहीं है, आई डोंट नो कितनी देर में पापा ही छोड़ आएंगे, सो इसके लिए ये। और मैंने अभी खाई थी माउथ फ्रेशनर, तो वही खा रही हूँ मैं। और वो देख रही है छोटी वाली सिस्टर टीवी, और यहाँ पर देखिए दिया और उसकी पंचायत चल रही है। देखो मेहंदी की फरमाइश हो रही है। कहाँ है? घर पर। घर पे क्या कर रही है? कौन लाया था? कौन सी मौसी? करवा चौथ पे लाई थी मम्मी ने, व्रत रखा था, पापा आए थे। अरे यार करवा चौथ का बता रहा, पापा आए थे, मम्मी ने व्रत रखा था, सो आज भी व्रत है ना, तो आए पापा आएंगे, आए नहीं आएंगे? आज तुम पानी पिलाओगे? आज आज पानी पिलाएंगे। तो चलिए फिर मैं मिलूंगी आप लोगों से थोड़ी देर में, शायद घर पहुंच कर ही मिलूँ। यहाँ पर दिया को दोस्त, दिया का दोस्त आ गया, सो दिया उसमें देखिए मैंने ये वाले टॉप्स पहने हुए हैं। और ये दिशा आ गई है यहाँ पर, तो चलिए। ऐसे मैं आते आते रात हो गई थी, तो यहाँ पर मैं और दिया पेटीज खा रहे हैं जो पापा ने पैक करा दी थी, तो वही खा रहे हैं हम लोग। तो आप लोग भी खा लीजिए यहाँ की, जो जिन यहाँ से पापा ने पेटीज पैक कराई, बहुत ही यमी पेटीज बनाते हैं, इसके अंदर फिलिंग बहुत अच्छी करते हैं इसकी वजह। हे गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? होपफुली आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और अभी मॉर्निंग के हो रहे हैं 9 AM होने वाली होंगी। और मैं ना काफ़ी देर से वीडियो एडिट कर रही थी, सो मैंने ब्लॉग स्टार्ट नहीं करा है। और यहाँ पर आई है दिया की फ्रेंड, क्या नाम है आपका? वंशिका जैन। वंशिका जैन। मम्मी का नाम? प्रीति। प्रीति। और पापा का नाम? संयम जैन। संयम जैन। और पता है दिया, इसके वंशिका के न्यू न्यू कपड़े आ गए हैं ना, न्यू कपड़े आ गए हैं ना। कौन लाया था? पापा। पापा लाए थे, मम्मी के लिए नहीं लेके आए, वंशिका के लिए लेके आ गए है ना। अपने लिए लिया है? नहीं। अपने लिए भी नहीं लाए? नहीं। तो आपके लिए लिया है? मेरे लिए लिया है। तो इसके पापा ले आए हैं इसके लिए कपड़े, पर दिया के पापा भी दिया के लिए कुछ नहीं लेके आए हैं। वो हमारी दिया पता बहुत समझदार है, वो मांगती भी नहीं है। सो गाइस मैंने यहाँ पर ना इयररिंग चेंज किए, ये वाले पहने हुए हैं। और मम्मी कहाँ गई? मंदिर। अच्छा तो आप दीपावली पे दीप मम्मी के साथ मंदिर जाओगी? नहीं। तो पता नहीं। पता नहीं, ना के आई हो? क्या पापा कहाँ गए? पापा भी ऑफिस गए। वो ऑफिस चले गए? जियो में जाते हैं। और पापा जियो में आते हैं? हाँ। सो गाइस उसके पापा है ना जियो में, वो अकाउंटेंट है शायद, ऐसे कुछ है। सो वहाँ पर उसके पापा चले गए हैं, और पहले वो यहीं पर थे, लोकल में थे, लेकिन अब काफ़ी दूर उनकी पोस्टिंग हो गई तो अप डाउन करते हैं। कार से जाते हैं पापा? कार से जाते हैं और आते हैं। तो हाँ, बहुत अच्छा। पहले तो थक जाते थे, अब तो नहीं थकते। वो पहले थक जाते, तो गाड़ी से अभी तो गाड़ी से जाते हैं, फिर भी गाड़ी से मेला देखने जाते हैं। फिर मेला बंद हो जाता है फिर। अच्छा। सो गाइस ये बता रही है कि मेले वहाँ पर हम लोग जाते थे, क्या बोलते हैं, मेले में पहले पापा जाते थे तो थक जाते थे, लेकिन अब उनको हैबिट हो गई है ना, इसलिए नहीं आते। और पता है ये भी स्कूल पढ़ने नहीं आती, लेकिन ABCD लिख लेती है और अपनी नाम लिख लेती है विद इंग्लिश, और व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर एड्रेस, ये सब कुछ बता लेती है। इसकी मम्मी ने इसको मतलब परफेक्ट कर दिया। जैसे दिया स्कूल जाने के बाद इतना सीखी थी, लेकिन इसकी मम्मी ने इसको पहले सिखा दिया है ना, सो इसी वजह से। और
काफी इंटेलिजेंट है, लिख भी लेती है, बीसीडी वगैरह सब कुछ लिख लेती है ना। किसने सिखाया? मेरी मम्मी ने। की मम्मी ने सिखाया है। दाल पे क्या फैल गया? क्या ये दाल है? तो गाइस क्या है, मैंने ना कब ऊपर आज मैंने ना चटाई नहीं बिछाई है, ऐसे आपको दिख रहा है, बेड पर नहीं बिछाई क्योंकि चटाई गई है धूप में सूखने के लिए। और यहाँ पर दिया की फ्रेंड आई है, सुबह उसके टॉयज से खेल रही है तो उसकी मम्मी उसे छोड़ गई है और वो गई है मंदिर। इसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि अगर कोई आ जाता तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो वो मेरी फ्रेंड भी आ जाएगी तो वो कम से कम आधा घंटा मेरे से बातें करेगी, तो तब तक मैं वीडियो एडिट कर लेती हूँ, नहीं तो फिर मैं वीडियो एडिट नहीं कर पाऊँगी। तो चलिए फिर मैं मिलूँगी आप। तो गाइस आज है नेक्स्ट डे और मैं आज के अभी मॉर्निंग से आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। वैसे ज़्यादा कुछ तो बनाना नहीं था जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ दाल, मैं तड़का लगा रही हूँ। जो दाल में मैं कैसे तड़का लगाती हूँ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर घी लिया था और घी में मैंने ना तेज पत्ता डाला था और दो तीन तोड़ तोड़ के सूखी खड़ी मिर्च डाली थी और राई डाली थी और जीरा डाला था, हींग डाली थी। तो ये सब मैंने सूखे मसाले ऐड कर दिए थे। तो अब मैंने ना इसमें जो टमाटर वो ऐड करे हैं और अभी मैंने इसमें और कोई मसाला ऐड नहीं करा है। तो मैं यहाँ पर ऊपर से डाल दूँगी इसमें हरी मिर्च, धनिया पाउडर ये सब, और मैं टमाटर को गला रही हूँ अच्छी तरीके से। तो अगर आप लोग इस तरह से तड़का लगाते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा यम्मी दाल बनती है। कुछ नहीं करना आपको, घी में जीरा, हींग, राई और तेज पत्ता और सूखे खड़े मसाले जो भी आप ऐड करना चाहते हो वो ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरा तड़का लग गया है। उसके बाद मैं यहाँ पर पराठे सेक रही हूँ, तो मैंने इसके लिए बढ़ा दी क्योंकि दिया को लग रही थी भूख, तो मैं इसके लिए पराठे सेक दे रही हूँ। और आज हैप्पी बर्थडे है शोभा विनू करके, एक मेरी आईटी फैमिली मेम्बर है तो उनका बर्थडे है। सो सॉरी बर्थडे नहीं एनिवर्सरी है, सो उसी हैप्पी एनिवर्सरी डियर। वैसे मैंने है ना कम्युनिटी पर भी डाल दिया है, सो उसके लिए दिल से थैंक यू। और यहाँ पर पर्पल की तरफ से कुछ न्यू प्रोडक्ट, न्यू लिप शेड वगैरह लॉन्च हुए थे, सो मैं वही देख रही हूँ क्या आया है। और ये सब जो भी हुआ है ना मेरी लाइफ में चेंजेस, वो सिर्फ आपकी वजह से ही हुए हैं, आप लोग के इतने प्यार की वजह से हुए हैं। काफ़ी दिनों से आप लोग बोल भी रहे थे दीदी आपके पास रिव्यू के प्रोडक्ट नहीं आते, ओम प्रताप करके जो भैया हैं वो डेली वो से पूछते थे, तो मैंने कहा आएंगे आएंगे आएंगे, तो आखिरकार वो टाइम आ भी गया और ये सब आप ही के कारण हुआ है। और यहाँ पर मेरी वो किराएदार वगैरह हैं, बच्चे आ गए हैं स्कूल से, तो मैं उनको वो लोग पूछ रहे हैं दीदी ये क्या आया है, सो ये उधम मचा रहा है। तो चलिए मैं मिलूँगी अब आप लोगों से। कैसे हो आप सब? होपफुली आप सब बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे ही रहे। तो मैं आई हूँ अभी मार्केट से, मार्केट से क्या हम लोग लेने गए थे सब्जी, जो भाभी रहती है उनके साथ में गए थे, रहते तो गए हुए थे हम लोग। तो मैं कुछ सामान लेके आई हूँ और आज मुझे है ना मेरे करवा चौथ का गिफ्ट मिला है, मैं आपको दिखाऊंगी वो क्या मिला है। और आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि ऐसा गिफ्ट किस किस को मिला है, और ऐसा गिफ्ट शायद ही किसी के हस्बैंड ने किसी को दिया होगा जो मुझे मिलने को मिला है, और मुझे हंसी भी आ रही है, वो मेरे करवा चौथ का गिफ्ट है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने कुछ जरूरत का सामान लेके आई हूँ क्योंकि लड़कियों को तो पता है हमेशा हर जगह जरूरत का ही सामान दिखता है। तो मैं दिखाती हूँ, सबसे पहले लेके आई हूँ राई बोलते हैं शायद, रई बोलते हैं। सो लेके आई क्योंकि मुझे ऊपर से बार बार मकान तो मुझे ना मकान मालिक से मांगनी पड़ती थी, सो दैट मैंने ये ली है। ये मुझे शायद 40 रुपीज की मिली है और ये अच्छी क्वालिटी की है, काफी अच्छी है। तो मुझे दही चलाने में, पर ये कंपनी की नहीं है, ये है ना आप इसे बोल सकते हो ये होम मेड है, मतलब जो होते हैं ना वो जो ऐसे बनाते हैं जो बाहर रोड पर है ना जो लगा लेते हैं उनसे, तो ये अच्छी है, काफी अच्छी है, ये मजबूत भी काफी, हम चेक करके लेके आए हैं। और ये लेके आए हैं पानी छानने के लिए, और ये डबल है, आपको दिखाती हूँ, ये है डबल, जैसे आपको दिख रही होगी ये डबल है कपड़े में। एक ये लेके आए हैं और दीयू लेकर आई है ये कप, तो ये भी 20 रुपीज का है, और ये कॉफी कप है तो काफी अच्छा लग रहा है दूध वगैरह पीने के लिए, काफी अच्छा, 20 रुपीज में बहुत सस्ता भी मिल गया।
और ये लेके आया है भाभी का बेटा निक्की, और इसका भी इसका कलर ज्यादा अच्छा लग रहा है। बट मैंने ना ये लेके आया है तो, बट मैंने ना दोनों को अलग अलग इसलिए दिलाया कि फिर वो झगड़ा ना करे इसलिए। और ये लेके आया जो मतलब सही करने वाली सूजी वगैरह चलाते हैं, तो उसको चलाने के लिए इस तरह से बबल्स वगैरह नहीं बनते हैं, इससे एयर नहीं रहती है। बेसन चलाना है, सूजी चलानी है, ऐसे आपको कुछ भी बनाना है तो आप लोगों को तो जो नॉलेज है ही है, लेकिन मैं ये पहली बार लेकर आई हूँ तो मैं आपको बता दूँ ये भी सिर्फ मुझे 20 रुपीज़ की मिली है। और ये घी के लिए चलनी है, और ये स्टील की है, ये चलनी है, ये काफ़ी अच्छी है, स्टील की है, ये मैं लेके आई हूँ और ये काफ़ी अच्छी है। पता प्लास्टिक में जलने की प्रॉब्लम रहती है, सो दैट ये काम आएगी अच्छी नहीं। हाँ तो एक ये रह गई थी जो मैं आपको दिखा दे रही हूँ, ये भाभी लेकर आएंगे, काफी मजबूत है ये, बोलो 20 रुपए की है लेकिन देखिए काफी मजबूत है। सब गिफ्ट पे काफी भारी उठाने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। ये है मेरा करवा चौथ का गिफ्ट, आप लोग देख सकते हैं। और आप लोग ये मत कहना कि बहुत यूनिक है, ये बहुत ही ज्यादा यूनिक है किसी के, और मैंने उम्मीद नहीं करी थी कि मुझे इतना अच्छा और इतना भारी गिफ्ट मुझे करवा चौथ पर मिलेगा। और ये देखिए सर्दी आ रही है ना, तो सर्दी आ रही है तो चटनी पीसने के काम आएगा। और आप लोगों को पता है सिल्क की चटनी होती है ना, वो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही यम्मी होती है। और मेरे को ना जैसे कि सरसों वगैरह है उसको पीसने में मिक्सी नहीं थी। और ये है हनुमान जी की संजीवनी बूटी, मतलब ये है सिल बटना है ये, तो मैं चटनी पीसूंगी तो सबसे पहले आप ही लोगों को खिलाऊंगी इसकी। ये बहुत भारी गिफ्ट मुझे मिला है, और इतना भारी ये गिफ्ट है कि मुझको उठ नहीं रहा, और मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि मेरे हस्बैंड मुझे इतना भारी और इतना यूनिक गिफ्ट देंगे। तो आप लोगों को बताइएगा आप लोगों को मेरा गिफ्ट कैसा लगा, आई होप अच्छा ही लगा होगा, और ऐसा गिफ्ट शायद ही किसी को मिला होगा। तो चलिए फिर मिलूंगी आप लोगों से।